सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। श्रीलंका में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश में नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुना जाना है। तो इस बीच श्रीलंका को एक तगड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने अपना नाम वापस ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका में मची राजनीतिक उथल पुथल। साजिद प्रेमदासा उम्मीदवारी से पीछे हटे। श्रीलंका में है राष्ट्रपति का चुनाव। 1978 के बाद पहली बार होंगे राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति की रेस में रानिल विक्रमसिंघे सबसे आगे। श्रीलंका में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। देश आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है और देश में नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुना जाना है। तो इसी बीच श्रीलंका को एक तगड़ा झटका भी लगा। राष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब राष्ट्रपति चुनाव की रेस में रानिल विक्रमसिंघे, दुल्ला सल्लापेरुमा और अनुरा कुमारा दिसानिया के ही उम्मीदवार रह गए हैं। प्रेमदासा ने खुद ट्वीट के माध्यम से उम्मीदवारी से हटने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं अपने देश जिसे मैं प्यार करता हूँ उसकी भलाई के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेता हूँ। गौरतलब है कि श्रीलंका में 1978 के बाद से कभी भी सांसद ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान नहीं किया। साल 1982, 1988, 1994, 1999, 2005, 2010, 2015 और 2019 में जनता के वोट से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। बता दें कि 1993 में भी एक बार राष्ट्रपति पद मध्यावधि में खाली हुआ था, जब राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी गई थी। प्रेमदासा के बचे कार्यकाल के लिए संसद द्वारा डीबी विजयतुंगा को सर्वसम्मत से चुना गया था। नए राष्ट्रपति नवंबर 2024 तक गोटबाया राजपक्षे के शेष कार्यकाल तक पद पर रहेंगे। फाइनल तीन नामों में रानिल विक्रमसिंघे दौड़ में सबसे आगे होंगे। देश में आर्थिक संकट के बीच विक्रमसिंघे मई में प्रधानमंत्री बने। बाद में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच इस्तीफा दे दिया था। रानिल विक्रमसिंघे हाल ही में गोटबाया की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से विपक्षी नेता ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो अब राष्ट्रपति के लिए किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, कौन श्रीलंका को संभालता है और उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।